देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इन दो इक्वेशंस में आपको के का वैल्यू निकालना है जिसके लिए कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट चूज़ करते हैं। चलिए कोएफिशिएंट लेते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट के दैट इज़ नेम्ड एज ए वन इक्वल टू के, वाई का कोएफिशिएंट बी फर्स्ट इक्वेशन के लिए बी वन इक्वल टू थ्री एंड सी वन ये कांस्टेंट टर्म है के माइनस थ्री। ए टू सेकेंड इक्वेशन में आइए, एक्स का कोएफिशिएंट 12 बी टू, वाई का कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म सी टू इज इक्वल टू के। अब आता है कि कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस। तो हम लोग लिखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ no solution, hence a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2। ये कंडीशन जब होता है तो सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता है। अब हम लोग A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे। तो A1 दैट इज K बाय A2 दिस इज 12 एंड दिस इज इक्वल टू B1 बाय B2 दैट इज 3 बाय K इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 दिस इज K माइनस 3 बाय K C1 बाय C2। अब हम लोग इसको ले लेते हैं K1 by 12 इज इक्वल टू 3 बाय K एंड 3 बाय K इज नॉट इक्वल टू के माइनस 3 बाय K। इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 × 3 = 36, therefore K इक्वल टू +6 एज वेल एज -6। के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीन्स इसका स्क्वायर रूट 36 का +6 भी होगा -6 भी होगा एंड दिस सिचुएशन मस्ट बी अकर्स, यह सिचुएशन भी होना चाहिए। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे तो के इंटू के दैट इज के स्क्वायर माइनस के इंटू 3 दिस इज 3K इज नॉट इक्वल टू 3 × K 3K। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं 3K को, तो ये आ गया आपका के स्क्वायर माइनस 3K, इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 3K इज इक्वल टू 6K इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए के का दो वैल्यू हमारे पास आता है +6 और -6। तो के का क्या वैल्यू होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो। तो अब हम लोग लिखते हैं when k equal to 6, in this case k square minus 6k is equal to 6 square minus 6 into ये k का वैल्यू हम लोग 6 रखें दैट इज 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगर k का वैल्यू हम लोग 6 लेते हैं तो के स्क्वायर माइनस 6K का वैल्यू 0 आ जाता है, लेकिन मेरा कंडीशन कहता है कि के स्क्वायर माइनस 6K इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन 6 के केस में 0 आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस लेते हैं when k equal to -6, k का वैल्यू -6 भी है। इन दिस केस k स्क्वायर माइनस 6K इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर
माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स, के का वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस किया माइनस सिक्स, ये वैल्यू दैट इज 36 माइनस माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 72. सो 72 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स ये सिचुएशन जो है, के का ये वैल्यू जो है इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है. तो इसीलिए लिखेंगे हम लोग द सिस्टम, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इफ के इज इक्वल टू माइनस सिक्स. सो दिस इज द आंसर. के का वैल्यू क्या होगा? माइनस सिक्स होगा, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है. पहले सिचुएशन में के का वैल्यू आया, लेकिन ये इस सिचुएशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए के का वैल्यू माइनस सिक्स होगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन.